everyone, Jai Swami Narayan. Today we will discuss about chapter number 4, Genre. It means how to write genre. Business has much many transactions and they are recorded in genre. Okay, so today we will discuss about genre. So friends, what is a general book? Any general book hai kya? So we know that day to day many economic accounting transactions take place in business. And to remember economic accounting transaction easily, some businessmen recorded transaction in rough book immediately, so that recording of transaction would not be skipped. यानी कोई भी हमारा business है, वो business में हम day to day much many transaction करते हैं, तो वो सभी ट्रांजेक्शन हम भूल ना जाए, इसलिए हम एक रफ बुक में लिख लेते हैं। बाद में हम वो किसी फेयर बुक में यानी कि जनरल में राइट करते हैं। सो फ्रॉम दिस रफ बुक बिजनेसमैन राइट अकाउंट्स, व्हाइल सम बिजनेसमैन इंस्टेड ऑफ हैविंग रफ बुक राइट अकाउंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वाउचर। यानी कई सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं अब तो तो क्या होता है कि वो रफ बुक नहीं बनाते, वो वाउचर के थ्रू ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअल इफेक्ट, मिनिमम टू अकाउंट्स आर एसोसिएटेड फॉर ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वन इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट अकाउंट। ओके, सो अ जनरल बुक, दिस इज द रिकॉर्डेड इन Our one book, it's called general. Yani ki a general book is the fundamental book of a double entry system. It is such a basic fundamental book of on the basis of which the remaining books of accounts are prepared. Yani hum accounts mein jo kai dusri book prepare karte hain, usme ye general book hai, wo fundamental hai, wo pehle likhi jati hai. So it is basic books, okay? And what is the meaning of the jour and journals? Okay, so French words of jour means day. Yani jo French words hai jour, uska meaning hota hai day, from which the word general is derived, meaning of the which is daily recording of business transaction. Yani वो जर of the day है, और day से general हुआ, general से jour से general हुआ, और उसका मीनिंग होता है डेली रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि इंग्लिश वर्ड जो जनरल है, इसका ओरिजिनल लैटिन, ये ओरिजिनल लैटिन लैंग्वेज है। ओके, द मीनिंग ऑफ द इट इज अ नोट और अ डायरी, यानी इसका जो जनरल का मीनिंग होता है कि ये नोट है और डायरी भी उसे कहते हैं। सो अ जनरल बुक इज नोन एज द बुक्स ऑफ original entries. It is such a book of accounts where all accounting transactions are recorded in the order of date. Yani hum date ke anusar wahan pe sabhi transaction write down karte hai. Yani ki January se leke December tak day by day hum usme all transaction record karte hai. Yani ki it is also determined which account will be debited or credited with the amount. यानी हम उसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो तो लिखा ही होता है, साथ साथ उसकी अमाउंट भी लिखी होती है, और उसके साथ उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी होता है। यानी कि ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, यानी कि उसकी वो ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्यों हमने उनको अकाउंट डेबिट किया है, और कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, और क्यों किया है, उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये जनरल एंट्रीज राइट करते हैं। ओके, सो डू यू नो वेरी वेल व्हाई वी राइट द जनरल एंट्री। नाउ वी डिस्कस कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ जनरल बुक। तो किसी भी जनरल यानी कि हमें जनरल बुक को समझना है तो उसके कैरेक्टराइस्टिक को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ओके, तो पहला है इसका ओरिजिनल बुक।
We know that each and every transaction recorded in first general book. So general book is a original book. यानी कि द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जनरल दैट्स व्हाई जनरल इज एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक देन नंबर टू ड्यूअल इफेक्ट वी नो दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट वन इज फर्स्ट वन इज डेबिट इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट इफेक्ट सो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स Real effects are recorded of accounting transaction in it. यानी इस जनरल में हम दोनों इफेक्ट के साथ जनरल एंट्रीज करते हैं सो दिस इज द ड्यूअल इफेक्ट ओके देन नंबर थ्री टू कॉलम्स फॉर अमाउंट वी डिस्कस ऑलरेडी दिस के व्हाई टू कॉलम्स कम्स देयर बिकॉज ऑफ दिस देयर इज two effects one is credit and second one is debit effect so for the credit effect and for the debit effect here amount columns is two yani ki as per the dual effect amount of debit account will be recorded in debit column and amount of credit account will be recorded in credit column okay then number four ऑर्डर ऑफ डे यानी कि जनरल में हम डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं ओके जनवरी से लेके दिसंबर तक यानी कि इन जनरल बुक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इन द ऑर्डर ऑफ डे देन नंबर फाइव नरेशन नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ओके अबाउट टू ट्रांजेक्शन So after recording general entry, a brief of transaction is mentioned below the general entry, which is known as narration. This narration provides information about transactions. यानी वो जो narration है वो हमें transaction के बारे में information देता है कि कौन जो account हमने debit किया है तो क्यों किया है और credit किया है तो क्यों किया है और उसकी अमाउंट के बारे में हमें शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देता है तो ये थे जनरल बुक्स के कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेशन ऑफ जनरल अब हम इसका जो इम्पोर्टेंस है जनरल बुक्स के इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो पहला इसका इम्पोर्टेंस है ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी कि जनरल में हम बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो चाहे कैश हो क्रेडिट हो बैंक के साथ हो गुड्स का हो असेट्स का हो बेसिस का हो कोई भी ट्रांजेक्शन हो हम वो जनरल में पहले रिकॉर्ड करते हैं यानी कि ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक सो वी कैन इजीली गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरल ओके यानी कि जनरल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड डे नो ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होता जो जनरल में राइट किया नहीं है वो चाहे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो चाहे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो ओके देन नंबर टू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वेन द जनरल राइट दैट टाइम वी राइट विद द शॉर्ट इंफॉर्मेशन यानी हम नरेशन के साथ इसे लिखते हैं सो हमें जब भी चाहे इन फ्यूचर में व्हेन वी वांट टू एनी इंफॉर्मेशन टेक फ्रॉम द जनरल वी टेक दिस इंफॉर्मेशन ओके यानी कि इन जनरल बुक अ सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन्ड दैट्स व्हाई when any information is required can be obtained from the general yani hame jab bhi koi bhi information chahiye to wo hum general se le sakte hain kyunki uske sath humne brief mein narration write kiya hai then number 3 information useful for future yani ki in general at the end a brief information of each transaction Each accounting transaction is provided. That's why in the future, information pertaining to transactions become available. यानी हमने कहा ना
कि जो जनरल एंट्री हम लिखते हैं वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं, तो इन फ्यूचर में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या उसकी जो हमें जो यूजफुल होता है कोई इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है तो हम वो शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसमें से ले सकते हैं। देन नंबर 4, इजी फॉर पोस्टिंग, यानी कि हमने जनरल एंट्री राइट कर दी, जनरल बुक राइट कर दी, उसके बाद हम लेजर बुक राइट करते हैं जिसमें बहुत सारे अकाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू जनरल बुक। सो इन अ जनरल 2 सेपरेट कॉलम गिवन देयर, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो इट बिकम्स इजीली दैट विच अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। सो हम वहाँ पे डेबिट क्रेडिट इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, तो उससे हमें पोस्टिंग में हेल्प मिलेगी। ओके, देन नंबर 5, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, यानी कि सिंस बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन लेजर, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक मैनर इन लेजर। यानी कि जनरल बुक जब लिखते हैं तब तो उसमें हम रूल्स के अकॉर्डिंग वो जनरल बुक्स लिखते हैं, तो पहले से ही जनरल बुक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के साथ लिखी जाती है। ओके, देन नंबर 6, एरर लेस अकाउंट, यानी कि इन अ जनरल अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डबल एंट्री टू इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर पास्ड, दैट्स व्हाई द पॉसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। यानी कि हम जो जनरल एंट्री जनरल बुक में राइट करते हैं वो हम डबल एंट्रीज के रूल्स के साथ करते हैं, सो वहाँ पे एरर होने का चांसेस बहुत कम है। ओके, तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल, यानी कि जनरल बुक के इम्पोर्टेंस थे। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्पेसिमेंस ऑफ जनरल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, सो हियर फर्स्ट वी राइट डाउन देयर जनरल बुक ऑफ 3, यानी जो बिजनेस का नाम है, अपने जो ट्रेड का नाम है वो लिखेंगे। जैसे कि मेरे बिजनेस का नाम है सोनल एंटरप्राइज, तो हम लिखते हैं जनरल बुक ऑफ 3 सोनल एंटरप्राइज। ओके, देन जनरल बुक के जो कॉलम है वो 5 कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर, LF नंबर, LF मीन्स लेजर फोलियो नंबर, यानी कि लेजर में कौन से पन्ने पर कौन सा अकाउंट है वो, देन डेबिट कॉलम्स रुपीस के साथ, देन क्रेडिट रुपीस कॉलम। ओके, देन हियर डेट, डेट वी राइट डाउन व्हेन वी राइट डेट अकॉर्डिंग टू आवर ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पर। ओके, देन पर्टिकुलर्स एंड इन पर्टिकुलर कॉलम वी राइट डाउन देयर जनरल एंट्री एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, देन LF नंबर यानी लेजर फोलियो नंबर्स राइट करेंगे, देन डेबिट रुपीस यानी डेबिट इफेक्ट के जो अमाउंट है वो हम डेबिट कॉलम में राइट करेंगे, और क्रेडिट रुपीस कॉलम में हम जो क्रेडिट इफेक्ट के जो अमाउंट है वो हम क्रेडिट इफेक्ट क्रेडिट रुपीस में क्रेडिट रुपीस का जो कॉलम है उसमें हम राइट करेंगे। ओके, सो जनरल में कितने कॉलम आते हैं, 5 कॉलम, डेट पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ओके, लेट स्टडी इन डिटेल फ्रॉम द एग्जाम्पल एज वेल एज इलस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि रिकॉर्ड ऑफ द जनरल सॉरी रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल बुक्स ऑफ प्रिया 2015 मार्च। ओके, यानी कि यहाँ पे प्रिया की जो जनरल बुक हमें राइट करनी है, तो उसका पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ रुपीज 5000 इज परचेज्ड ऑन कैश। तो हम जनरल एंट्री जब ड्रॉ करते हैं तब पहले लिखेंगे उसका हेडिंग कि जनरल एंट्रीज ऑफ द ऑफ 3 प्रिया। ओके, देन वी ड्रॉ अवर जनरल स्पेसिमेंस, देयर इज 5 कॉलम, डेट पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। ओके, तो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन था गुड्स ऑफ रुपीज 5000 इज परचेज्ड ऑन
कैश ही, इट मीन्स हियर टू अकाउंट्स क्रिएट, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट वी नो दैट ऑलवेज डेबिट एंड कैश हियर गोज. सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम डेट भी लिखेंगे 2015 मार्च 1, और पर्टिकुलर की कॉलम में जनरल एंट्रीज लिखेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो डेबिट कॉलम है, डेबिट रुपीज का कॉलम है उसमें 5000, और क्रेडिट रुपीज का कॉलम है उसमें कैश के सामने भी 5000 लिखेंगे, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेज्ड ऑन कैश. तो यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ रुपीज 8000 परचेज्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, यानी नंदन के पास से हमने क्रेडिट पे परचेज किया है. ओके, तो हम डेट के कॉलम में लिखेंगे 2015 मार्च 2. हम 2015 मार्च नहीं लिखे तो भी चलता है, क्योंकि हमने पहले जो ट्रांजेक्शन लिखी थी उसमें हमने ये लिख लिया था. सो हम अभी ओनली डेट की राइट करेंगे. देन आफ्टर इन पर्टिकुलर कॉलम राइट डाउन देयर परचेज अकाउंट रुपीज, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट, इन डेबिट कॉलम 8000 रुपीज टू नंदन अकाउंट, 8000 रुपीज इन क्रेडिट कॉलम, एंड नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 8000 परचेज्ड फ्रॉम ऑन फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट. ओके, देन नंबर थर्ड है गुड्स ऑफ रुपीज 4000 इन सोल्ड टू चिग्ना, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी चिग्ना को क्रेडिट पे सेल्स किया है. ओके, सो इन डेट कॉलम राइट डाउन देयर 3, एंड पर्टिकुलर कॉलम राइट डाउन देयर जनरल एंट्री एंड शॉर्ट नरेशन. Here, Jigna's account debit because of Jigna's receiver, and in debit columns write down there 4000 rupees, and to sales account credit columns write down 4000, and short narration write down there being goods of rupees 4000 sold to Jigna on credit. Okay. Then number 4 transaction से commission received rupees 200, यानी हमें commission received हुआ है, यानी commission account के आएगा, ये income है, so always income credit, and 200 rupees is given is cash. Okay, so date column you write down there 4, and in particular column write down there general entry cash account debit to commission account, and then cash account debit, it means debit columns write down the 200, and to commission accounts there is write down in credit column 200 rupees, and short narrations write down that being commission of rupees 200 is received. Then number 5, where this expense paid rupees 150, and you have 150 rupees paid here, so here expense is basis is our expense, so basis account डेबिट एंड हियर कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. सो इन डेट कॉलम राइट डाउन 5, एंड पर्टिकुलर कॉलम राइट डाउन दैट जनरल एंट्री बेसिस अकाउंट डेबिट, इन डेबिट कॉलम 150 रुपीज टू कैश अकाउंट, इट्स अमाउंट राइट डाउन इन क्रेडिट कॉलम 150 रुपीज, एंड राइट डाउन दैट इन पर्टिकुलर कॉलम शॉर्ट नरेशन बीइंग बेसिस ऑफ रुपीज 150 इज पेड. ओके, तो ये थी हमारी जनरल एंट्री, हम कैसे लिखते हैं, यानी कि हम ट्रांजेक्शन से पहले दो अकाउंट कौन से, दो तीन कौन से अकाउंट क्रिएट होते हैं वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे. ओके, इफ द ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट दैट टाइम वन अकाउंट इज डेफिनेटली कम्स पर्सन्स नेम अकाउंट, एंड सेकेंड अकाउंट कम्स अकॉर्डिंग टू अवर ट्रांजेक्शन, एंड इफ द ट्रांजेक्शन इज कैश ट्रांजेक्शन दैट टाइम definitely comes cash or bank account create there, and one second account is according to our transactions. Okay, then after you decide our dual effect rules, you apply there, then after you can easily understand you okay which account is debit and which account is credit. Okay, then you will write your general entry with the short narration. Let us study in detail from the example. Okay, इस example से आप combined entry को अच्छी तरह समझेंगे. Okay,
So here दिया गया है कि on 15th January 2015 for wages ₹300 as salary ₹200 and for telephone bill ₹500 are paid in cash. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, wages, salary और telephone bill, ये सारा हमने 15th जनवरी के दिन ये तीनों ट्रांजेक्शन किए थे और उन तीनों ट्रांजेक्शन हमने कैश में पे किए थे. ओके, तो यहाँ पे हम उन तीनों की सेपरेट एंट्री के बजाय तीनों की कंबाइंड एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे. उनकी सेपरेट एंट्री ऐसे होती है कि बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो इन तीनों में कैश अकाउंट क्रेडिट था, तो हमने क्या किया, उसकी कंबाइंड एंट्री करने के लिए जो डेबिट अकाउंट थे वो डेबिट करके और टू कैश अकाउंट था तो डेबिट अकाउंट की एडिशन हमने कैश अकाउंट में राइट कर ली. तो उसकी कंबाइंड एंट्री ऐसे होती है कि बिजनेस अकाउंट डेबिट, राइट डाउन अमाउंट कॉलम डेबिट कॉलम 300, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, टू कैश अकाउंट, इन तीनों अकाउंट का एडिशन आता है 2800 रुपीज. और नरेशन में लिखेंगे बिल वेजेस ऑफ रुपीज 300, सैलरी ऑफ रुपीज 2000 एंड टेलीफोन बिल्स ऑफ रुपीज 500 पेड इन कैश. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. वी नो दैट in the business varieties of transaction take place much many. Okay, so keeping in your mind different types of transaction, how to write general entries, we discuss about, first we discuss here how many types of transactions in our business. So first transactions here given that transactions for capital and drawing when new business is commenced, yani new business jab स्टार्ट होता है तब कैपिटल और ड्राइंग्स का जो ट्रांजेक्शन आते हैं उसके बारे में जनरल एंट्री कैसे करेंगे. देन आफ्टर नंबर टू, ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स एंड असेट्स, यानी गुड्स और असेट्स का, यानी परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का, ये गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. और असेट्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं तो असेट्स भी परचेज होती है, सेल्स होती है. ओके, देन नंबर थ्री, अदर फॉर्म ऑफ गुड्स आउटवर्ड, यानी हम गुड्स को सेल्स करें तब तो गुड्स हमारा जाता है, पर उसके अलावा भी हमारा गुड्स बिजनेस में से आउटगोइंग हो जाता है. तो कैसे होता है कि जैसे चोरी हो गया, बारिश में भीग गया है, एक्सीडेंट में वो डिस्ट्रॉय हो गया है, फायर में डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसे छः तरीके से हमारा गुड्स आउटवर्ड हो जाता है तो उसके जो ट्रांजेक्शन है उसकी जनरल एंट्री. देन ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक, यानी हम बैंक के थ्रू भी कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो बैंक के जो ट्रांजेक्शन है उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है. देन नंबर फाइव, लोन और लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी हमें बिजनेस में यदि कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो हम लोन लेते हैं, वो चाहे फ्रेंड से ली हो, चाहे बैंक से ली हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ली है, पर बैंक से हमने यानी कि हमने जो लोन ली है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट आता है उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है वो भी आज हम इसी चैप्टर में समझेंगे. देन नंबर सिक्स, ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये रेवेन्यू इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस. तो बिजनेस में कई सारे इनकम भी होते हैं और कई सारे एक्सपेंस भी होते हैं तो उसकी जनरल एंट्री भी हमें सीखनी है. देन नंबर सेवन, ट्रांजेक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी बैड डेब्ट्स तो वी नो दैट बैड डेब्ट्स इज अवर लॉस एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व इज अवर इनकम, ओके अवर गेन. सो बोथ आर ट्रांजेक्शन, हाउ टू राइट इट जनरल एंट्री, इट्स जनरल एंट्री, वो भी हम आज वो भी इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है. देन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अलाउंस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अलाउंस व्हाट इज, वी नो दैट एंड
ये हमने पहले चैप्टर में इसके जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स थे उसमें हमने पढ़े थे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्यों होता है और अलाउंस क्यों होता है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश और अलाउंस हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होती है वो भी इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये 80 टाइप के ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में होते है, उसकी जनरल एंट्री कैसे होती है वो हम वन बाय वन टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके इलस्ट्रेशन या एग्जांपल के साथ ये सारे ट्रांजेक्शन हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।